HR News YouTube चैनल जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। हम इस वक्त खड़े हैं गुजर निवास गांव में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ जो एक पानी की लाइन लगी हुई है, लगातार यहाँ लोग आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि इस पानी को पीने से कहीं ना कहीं शुगर है, चरम रोग है, वो लोगों के ठीक होते हैं उसको लेकर के। यहाँ देखिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से तमाम लोग, भीड़ लगी हुई है, सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पानी लेने के लिए आए हुए हैं लगातार। और बताया जा रहा है इस तरीके का रोज का ये हाल आपको इधर भी दिखाए, चारों तरफ कहीं ना कहीं पानी को लेकर के जो है लोग इकट्ठे हुए हैं, तमाम लोग यहाँ पानी लेने के लिए आते हैं। खास तौर पे बताया जा रहा है कि इस पानी से बहुत सारे चर्म रोग या शुगर है, इस तरीके की बातें जो है यहाँ ठीक होती है मरीजों की, और वही मरीज है। आपको एक और बात बता दें, देखे मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से हाई प्रोफाइल गाड़ियां यहाँ आई हुई है जो पानियों की कैन भर भर के ले जा रही है। यहाँ पे कुछ लोग भी है, हम सीधा एक बार उन्हीं से बात करते हैं क्या के लिए पूरा यहाँ पानी भरती है। सुबह हो, दोपहर हो या शाम हो, आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा यहाँ लोग पानी लेने के लिए बिजली के पोल को भी आप देख सकते हैं, बिजली के पोल के नीचे भी लोग पानी लेने के लिए लगे हैं। कहीं ना एक दर्शाता है कि अव्यवस्था, अगर सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पूरी नहीं की गई तो ये बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है। जिस तरीके से लोग लगे, बिजली का पोल लगा हुआ है या ट्रांसफार्मर, हमारे साथ युवा है एक बारी, आप एक बार बताइए यहाँ पानी लेने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। बिल्कुल, सुबह 24 घंटा तांता लगा रहता है। कैसे कैसे लोग आते हैं, जैसे अब हम देख रहे हैं, आपको नहीं लगता ये ट्रांसफार्मर के नीचे लोग खड़े हैं? सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, कोई अनहोनी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाहिए। और हम तो ये कह रहे हैं कि इसका टाइम टेबल है वो 6 से 6, सुबह 6 से शाम के 6 तक, क्योंकि 24 घंटा इधर आते हैं दिल्ली से, दिल्ली से आ रहे हैं जो जनता, वो रात को कहती है पानी दो, तो उनको पता चल जाए चैनल के माध्यम से कि भाई 6 से 6 इसका टाइम टेबल है। और रही बात बीमारी की, बीमारी में एलर्जी, शुगर, पेट से संबंधित गैस वगैरह की, कब्ज वगैरह सारी बीमारियों में अच्छा काम है, लेकिन इसको दवाई के तौर पर यूज करें, ना कि इसको यूं ही पिए, मतलब क्योंकि डॉक्टर भी दवाई देता है उसको, यूं तो नहीं कि भाई तू 2 किलो पी ले, तू 5 किलो पी ले, वो भी बिल्कुल ML में बताता है। नहीं, आप ये बताइए क्या ये आया कहाँ से कि ये पानी ठीक करता है, या पानी की इधर ये चर्चा कैसे शुरू हुई, कैसे लोगों को पता चला कि ये पानी, ये इधर इनके जो खेती लेते हैं जो मजदूर, ये उधर जयपुर से है और इनकी लेडीज का शुगर है, तो ये 6 महीने हो गए इधर आए इनको, उसने 4 महीना कंटिन्यू किया है SMS में इसका इलाज चला शुगर का। 4 महीने बाद ये वापस चेक करवाने गई, उसकी शुगर बिल्कुल खत्म हो गई। डॉक्टर ने कहा तू क्या करती है, कहाँ से लिया है? अभी मैं हरियाणा के कुआं पे रहती हूँ और वहाँ पानी पिया है, उससे खाया है और उससे पिया है, उस वजह से उसकी शुगर बिल्कुल खत्म हो गई। अब आप क्या कह रहे हो, टाइम टेबल क्या फिक्स होना चाहिए? टाइम टेबल ये है कि न्यूज चैनल के माध्यम से ये पता चलना चाहिए जनता को कि सुबह 6 से और शाम को 6, ना कि 6 बजे के बाद इधर अव्यवस्था फैले, ये इनको परेशानी हो। इधर हर तरह के लोग आते हैं शाम को, दारू पीने वाले भी आते हैं, वैसे भी आते हैं, जिससे अव्यवस्था हो जाती, तो शाम को ये पता चल जाए कि 6 बजे के बाद पानी नहीं मिलेगा, चाहे हो या नहीं हो। मेरा कहना ये पता कैसे चला ये पानी फायदेमंद है? हमारे पड़ोस से पता लगा, मेरी मम्मी को शुगर है और उसको पिला रहा हूँ मैं, 2 हफ्ते हो गए। अब मैं आगे चेक कराऊंगा तो पता लगेगा कितनी कम होगी। अभी चेक नहीं कराया? अभी चेक नहीं कराया, अभी तो सारा पानी पिए जा रहे हैं। हाँ, पानी पिए जा रहे हैं 15 दिन से। बाबा आप बताओगे, आप बुजुर्ग हो? भाई मैं तो सर उम्मीद ले, मेरी मिसेस के जो है शुगर थी और उसके हाथ और पैर कटने लग रहे थे, तो बस में जो है, मैं रोड में ड्राइवर हूँ, तो बस में जो सवारी ने बताया कि भाई यहाँ पर ऐसे ऐसे पानी निकल रहा है, वो शुगर उससे ठीक हो रही है। शुभ नेम अपना? शिव कुमार जी, कहाँ आप सर्विस करते हैं? रोडवेज में। अच्छा, कहाँ आपकी ड्यूटी लगी हुई? मेरी कोट कासिम रूट पे ड्यूटी लगी हुई। अच्छा, तो उसमें उन्होंने बताया था कि यहाँ पर जो है शुगर के लिए पानी निकला है और उसे आराम मिली, तो मैं यहाँ से फिर ले गया, आज मेरे को 10 दिन हो गए, उसमें रिलीफ मिली, हाथ पैर जो कट रहे थे उसे काफी आराम। डॉक्टरी पुष्टि कोई हुई है कोई इस पानी की, कोई चेकअप किसी ने किया हो प्रशासनिक स्तर पर? अब देखो, डॉक्टर के बारे में हमें नहीं पता, जैसे लोग लेके जाने लगे तो हमें जब पता लगा उसको पानी पिया है, तो पानी पीने से उसमें जो है शरीर से महसूस हुआ। यानी कि एक ने सुना, दूसरे ने सुना, लोग लगते चले गए, आते चले गए, यही एक वजह है, मतलब पानी की पुष्टि किसी के पास नहीं है। देखो आप लोग, आज के आधुनिक युग में, डॉक्टरी युग के अंदर जिस तरीके से माना जाए कि एक चीज की चेकिंग होती है, वो भी नहीं है, और उसके बाद विश्वास ही है। विश्वास ही, जब शरीर में आराम है, दुख हो रहा है और उसमें सुख प्राप्त होने लगा है, तो विश्वास तो बढ़ ही जाता है।
आप भी आए हैं पानी लेने के लिए, क्या करते हैं आप टीचर हैं, क्या इस तरीके की बातों पर यकीन किया जा सकता है? पानी क्या नहीं फायदा क्या है? मतलब क्या मानते हैं इस तरीके से पानी फायदेमंद है? हम तो ये कहना फायदेमंद, एक तो एलर्जी में फायदेमंद है, एक शुगर में भी इससे लाभ मिला है, मैं दो बार आया हूँ पानी लेने। हमारे प्रशासन से मांग ये यहाँ लाइट की व्यवस्था 24 घंटा होनी चाहिए। अच्छा, तो डॉक्टर स्तर पे इस पानी की जांच हुई है? डॉक्टर स्तर पर तो ये मैंने जानकारी नहीं है, बाकी मैंने खुद पानी लेने के बाद में 2-3 बार डॉक्टर चेक कर रहे हैं, मेरे को काफी रिलीफ मिला है। रवि जी, ये क्या है थोड़ा सा बात रही है, गुजरीवास गांव में जिस तरीके से पानी का तांता लगा हुआ है लोग, क्या है इसकी सच्चाई, थोड़ा आपके मुंह से जानना चाह रहे हैं। सच्चाई तो ये जो पी हुआ है वो इन हो गए सब मरीज, ठीक है, शुगर वाला ज्यादातर। अच्छा, तो क्या आप लोग कितने सालों से इस पानी को पी रहे थे? आपके तो खेत बोरिंग जी अभी करे हो नहीं हो? अच्छा, अभी बोरिंग की है? 1.5-2 साल हुए, 8-9 महीने, 1.5-2 साल होगी बोरिंग करे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? जीवर जी ये जमींदार है, जैसे खेती बाड़ी करना आयोडा है तो इनके शुगर थी, ये पानी मूरी रहने लायक घर यूज करे है तो इनकी शुगर ठीक है। फिर इसकी चर्चा कैसे हुई? चर्चा जी नीत ही हुई है। किनका है ये खेत? किनका है? माड़ू राम। माड़ू राम, आप है माड़ू राम जी? बाबा आप भी खड़े आज? शुगर था। अच्छा, शुगर था, कैसे आपको पता चला? 3000 महीना की दवाई खाया करता है, बिल्कुल दवाई छोड़ दी, बिल्कुल ठीक, चेक करवा लिया कई बार। अच्छा, बिल्कुल ठीक। कहाँ से आए हो? बावल से। बावल से पानी लेने के लिए आए? कितनी बार आप पानी ले गए? 20 दिन हो गए। 20 दिन से रोज ले जा रहे हैं? तीसरे दिन ले जाओ, उसे 20 जारी कर। देखिए युवा भी हमारे साथ है, पर युवा आप ये पानी लेने के लिए आए हैं? नहीं, पानी लेने के लिए आया हूँ, रेवाड़ी से आया हूँ मैं। 3 दिन पहले भी मैं गाड़ी लेके आया था, जब भी काफी पानी लेके गया था। आसपास में मैंने लोगों से चर्चा की है, हमारी कॉलोनी में जो रहने वाले बंदे हैं उनको मैंने पानी पिलाया, उनसे काफी आराम हुआ है, तो आज मैं फिर दोबारा पानी लेने के लिए आया हूँ। तो कितने दिनों से ये चर्चा यहाँ चली हुई है पूरे? ये चर्चा 10 दिन से सुन रहा हूँ। गुजरीवास गांव, गुजरीवास गांव, तो यहाँ लोग रोज आ रहे हैं पानी लेने के लिए? रोज आ रहे हैं, सुबह से शाम तक लगी रहती है। तो क्या आप लोगों ने शुगर की दवाई वगैरह छोड़ दी? तो कितना फर्क है? काफी बेनिफिट आया जी। देखिए ये युवा है जो बता रहे हैं कि इनको बेहद फायदा हुआ है, इसलिए ये हम मेरे साथ और हम देखते हैं, ये देखिएगा किस तरीके से लोग कैंप को है ना बांध करके बाइकों के पानी लेकर के जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पानी नहीं अमृत बन गया है लोगों के लिए, जो बीमारी से ग्रस्त है उनके लिए पानी अमृत बन गया। यही वजह यह नजर आ रही है कि तमाम लोग जो बीमारी से ग्रस्त है वो इस पानी को लेने के लिए आ रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से कितनी लंबी लाइन यहाँ लगी हुई है, चारों तरफ यहाँ लाइन लगी हुई है। आप ये देख सकते हैं टैंकर से पानी इकट्ठा किया गया, लोगों को लाइन वाइज नंबर वाइज दिया जा रहा है। कोई एक बाल्टी लेके आया, कोई दो लेके आया, कोई पानी की बोतल लेकर के आया। एक बार इन्हीं लोगों से हम जानते हैं, कितना इन लोगों को फायदा है। मेरे पानी लेने आए हो यहाँ पे? क्या इससे फायदा, क्या नजर आ रहा है, क्या सुनते हैं? यहाँ पे शुगर हर तरह की एलर्जी वगैरह की सारी बीमारी दूर हो रही है पानी पीने से। कहाँ से सुना आपने ये पानी अमृत बन गया लोग बता रहे हैं? यूट्यूब पे देखा था, यूट्यूब पे देखा था। तो क्या इससे कोई फायदा हुआ अभी? हाँ, फायदा हुआ है, जब लेने के लिए आए। अच्छा अच्छा, और भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे लगातार? कितनी बार पानी पीते हो दिन में? दिन में पूरे दिन यही पीते हैं, यही पानी पीते हैं। देखिएगा और भी लोग हैं बड़ी भाई, आप बताएंगे थोड़ा सा, आप युवा हैं पानी लेने आए हैं? आप अपना नाम बताओ एक बार। अलवर से आप आए हैं यहाँ, राजस्थान से? यस। देखिए राजस्थान से आए सीधा, एक बार क्या सुन के आए हैं आप राजस्थान से कि ये पानी कोई बीमारी ठीक कर रहा है? बीमारी ठीक कर रहा है, शुगर के लिए बहुत फायदेमंद बता रहा है। अच्छा, क्या है इस पानी में? अब ये तो पता नहीं क्या है क्या नहीं, बाकी तो पता है जिनसे सुना है उनको फायदा है, मतलब 20%, 25%, 50% फायदा हो गया शुगर में पीने से। तो आप अलवर से यहाँ सुबह सुबह पानी लेने आए? मैंने अलवर से। तो कितनी बार आ चुके हैं यहाँ? फर्स्ट टाइम आया, सुन के नहीं आया। सुन के देखिए और भी है हमारे साथ, माजी भी है, एक बार उनसे बात करेंगे। माजी आप बताइए, आप पानी लेने आए हैं? किसी से रेवाड़ी मंदिर में, मैं पिछला सोमवार ले गई थी 11:30 बजे आज पानी, तो मेरे 5 तारीख 308 थे और कल चेक कराया 223 है, वैसे 2 टाइम की दवाई थी, एक की मैंने खत्म कर दी, एक की इसलिए दोबारी आई थी, बड़ा मैंने फर्क लगा।
देखिए ये माजी है जो बता रही है, फर्क है। आप ये देख सकते हैं टैंक आपको दिखाएंगे किस तरीके से लगातार आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी का टैंकर यहाँ लगातार कूद रहे हैं, लोगों की लाइन लगी हुई है, पानी पानी भरने के लिए लोग आए हुए हैं, ताजा पानी सप्लाई करने के लिए नए नए तरीके भी इजाद किए गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं बच्चे बुजुर्ग तमाम लोग यहाँ पानी के लिए आए हुए हैं, पानी लेने हाजी में तो मदद खतरा है। ये भाई के ड्रम में उठे गाड़ी में भरवा दूंगा जी। अच्छा, कौन सा गांव आपका? डोडा ही गांव है। तो क्या है इस पानी की, आप तो करीब के गांव के हैं, यहीं के रहने वाले, एक है कि जो चर्चा हुई पानी की, क्या है पूरा मामला? शुगर खत्म हो गया जी। शुगर किसी डॉक्टर से चेक कराई है कि खत्म होती है? नहीं होती, चेक करी थी वो अपने साथी बाबा के जयपुर गई थी, चेक करवाई थी, ठीक होगी। ऑटो वाहन लोग हाई प्रोफाइल अपनी गाड़ियां लेकर के आ रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर लोग लगातार पानी ले जाने का यहां से जो प्रयास कर रहे ताकि उनकी बीमारी किसी तरीके से ठीक हो। एक एक प्रशासन का भी अलग की कोई अधिकारी हमें नजर नहीं आया, जिस तरीके की भीड़ है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के प्रशासन को भी यहां मौजूद होना चाहिए था। हो सकता है प्रशासन के भी नॉलेज में हो या नहीं हो, लेकिन आम जनता की नॉलेज में जरूर हो गया, क्योंकि चैनलों पे जिस तरीके से खबरें चली, मीडिया में जिस तरीके की ये खबरें आई, उसके बाद तमाम लोग यहाँ इकट्ठे हो गए उसी को सुनकर के। कोई दूर से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तमाम अलग अलग जगहों से लोग यहाँ आने लग गए। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात जो प्रशासन, स्थानीय प्रशासन है रेवाड़ी का, वो यहाँ नहीं पहुंचा है, यहाँ नजर नहीं आ रहा है कि जिस तरीके की भीड़ है सुरक्षा व्यवस्था यहाँ बनाई जाए, किसी तरह की कोई बात ना हो, लोगों को आराम से पानी मिल सके, या इस पानी की पुष्टि की जा सके कि वाकई में ये पानी शुगर फ्री है या नहीं है, या इससे इलाज होता है चरम रोग। क्योंकि लोग जो बता रहे हैं कि अभी एक साल पहले ही, डेढ़ साल पहले यहाँ बोरिंग हुई थी, ये बोरिंग का ही पानी है, उस पानी से किसी लोगों की ठीक हुई है, या जो खेत का मालिक है उसको शुगर थी, उसकी शुगर में कहीं ना कहीं फर्क पड़ा। वो चर्चा के बाद फैलने के बाद एक के बाद एक इस तरह की चर्चा फैली और लोगों का आवागमन नहीं हुआ। आपको और भी आप तो इसी गांव के हैं, आपने दुकान कर रखी है, तो ये पानी का मामला क्या है थोड़ा सा बताएंगे खुल के? अजी इसमें एलर्जी के भी बताते हैं और शुगर के बताते हैं, गोडों में कहां दर्द है ना, दर्द वो भी खत्म होता रहता हुए। लेकिन ये चर्चा कहाँ से शुरू हुई? एक का एक आप तो इसी गांव के हैं, आप लोगों को नहीं पता था दशकों से इस गांव में इस तरीके का पानी है, कि पिछले 15-20 दिनों से एक का एक कहाँ से निकल के आया ये पानी, ये इलाज करता है? अब साहब इलाज में आप बताते भी मैं ठीक हुई बताओ, ये गुजरात में ठीक हुई एलर्जी। अच्छा, उसको लेकर के चर्चा हो गई? हाँ, वहाँ से चर्चा चली है, मैं उन्हीं से जो गुजरात में गुजरी ठीक हुई है ना एलर्जी वाली, वहाँ से चर्चा हुई। अब कितने के लोग यहाँ आते हैं आप गांव में? आपकी मेन रोड पे दुकान है, क्या देखते हैं, कितना खाता है, लगा रहता है पानी लेने के लिए? लोग घड़ा ही आता है, बहुत जाते हैं, चलते रहते हैं। तो थायराइड में फर्क कर रहा है? अच्छा, मेरे दर्द हुआ अगर तो इसको काफी आराम है। अच्छा, आपको भी आराम है? पानी पिया आपने? हाँ, पानी पिया, काफी आराम। आप अपना शुभ नेम बताइए। बलवान जी, ये बताइए, ये एक कहे पानी की चर्चा हुई, आपका कुआ है, ये कैसे ही चर्चा दूर तक फैली, किस तरीके से, ये क्या दावे जो किए जा रहे हैं यहाँ से? ये बाबूजी जो यहाँ खड़े हैं इनसे पता करो, मेरे कड़ा बह रहा है जी। थोड़ा तो कुआ आपका ना, पानी आप लोग सप्लाई कर रहे हैं, लोग दूर दूर ऐसे लेने आ रहे हैं, खाते में दे रहे हैं, कोई किसी से कोई पैसा नहीं ले रहा, जो भी आता है ले जाओ। अच्छा, आप गर्म खाते में दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। जिस तरीके से भीड़ पड़ी, प्रशासन को ये चाहिए, क्योंकि अभी तो आप ग्रामीण लोग सेवा कर रहे हैं, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं, जैसे जैसे ये मोह फैलेगा, बड़ी भीड़ यहाँ आएगी, तो प्रशासन को भी एक सुरक्षा व्यवस्थाएं करनी चाहिए आधिकारिक तौर पर यहाँ करके, कल को कोई अव्यवस्था ना हो, कुछ इस तरीके की बातें ना हो, उसको लेके आप लोगों ने क्या कदम उठाया, क्या प्रशासन से कोई मांग की है इस तरीके की? कोई मांग नहीं की। लेकिन जिस तरीके से लोग बढ़ रहे हैं, दूर दराज से आ रहे हैं, कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तो आपको नहीं लगता भीड़ इकट्ठी होगी दिन भर या तेज गर्मी के अंदर भी? लोग जिस तरीके की 46 डिग्री का टेम्परेचर है, लोग पानी लेने आ रहे हैं, ये तो सर परेशानी है। हम तो कुछ ले नहीं रहे, सरकार ने बिजली की लाइट की व्यवस्था 24 घंटा पानी करनी चाहिए, उससे पानी की तो इतनी भीड़ ज्यादा ना होगी, लाइट कम हो। एक बार आप अपना शुभ नेम बताइए। पानी लेने आए हैं आप भी? हाँ जी। कहाँ से आए हैं? जाटुवास से। जाटुवास से, तो आप तो लोकल के हैं, एक का एक ये चर्चा, जाटुवास तो कुछ ज्यादा दूर में नहीं, यहाँ से राजस्थान से आए हूँ। राजस्थान में कहाँ? जाटुवास, गढ़ी बोलने के पास। अच्छा, गढ़ी बोलने के पास, वहाँ से आए हैं। हाँ। क्या पानी से कोई फायदा हुआ है अभी तक आप लोगों? देखो, मैं तो पहली बार लेके जा रहा हूँ, देखते हैं पिक, अगर तो फायदा होगा, जो पब्लिक आ रही है तो फायदा ही हो रहा है, अभी तो पब्लिक आ रही है नहीं, वैसे कौन आएगी इतनी दूर से? कोई जयपुर से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई गुड़गांव से आ रहा है कि नहीं?
जो कोई फायदा हो रहा है जब आ रहा है, इतनी गाड़ियों को कोई बुक करके ले आ रहा है, कोई कैसे ले आ रहा है, चेक कर परेशानी की वजह से गलत है। तो देखिए जिस तरीके से खुद बता रहे हैं कि कोई गाड़ियों को बुक करके लेके आ रहा है, कोई किराए पे लेकर के आ रहा है, जाहिर है कहीं ना कहीं चर्चा है, जिस तरीके की लोगों को कुछ ना कुछ फायदा हुआ है, यही एक वजह नजर आती है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग देखे युवा है और भी है जो यहाँ आए हुए पानी लेने के लिए। और आपको बता दूं आने वाले समय में जिस तरीके से भीड़ बढ़ रही है, जैसे जैसे इसकी चर्चा होगी और भी बड़े स्तर के ऊपर यहाँ लोग आएंगे, और जाहिर है कहीं ना कहीं प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान यहाँ रखना होगा कि जिस तरीके से भीड़ हो रही है कि जो दूर दराज से पानी लेने के लिए आए उनको सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जा सके। कैमरा पर्सन रमेश वशिष्ठ के साथ मोहनलाल, HR न्यूज, रेवाड़ी। HR न्यूज YouTube चैनल की हर खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और लाइक करें।